वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो और उनके कहे गए बातों का ग्रहण करके हम लोग उनके पथ पर चलना चाहते हैं, क्योंकि वो युवा वर्गों के लिए एक आइडियल के रूप में थे। उनके बताए गए मार्ग पर अगर युवा वर्ग अगर ग्रहण कर ले तो जरूर अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और जहां था युवा वर्ग के लिए बहुत सारे संदेश दिए हैं, मैसेज दिए हैं, और युवा वर्गों के लिए एक वो आदर्श के रूप में थे। मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या कहूं, कुछ भी कहूं तो वो बहुत ही कम ही होगा। वो सिर्फ और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने नामों का परचम फहरा चुके थे। उनका कथन था, उन्होंने युवा वर्ग के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश दिए हैं, जो अगर युवा वर्गों को हमेशा उनके बातों को फॉलो करते रहना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि युवा वर्ग को उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी वह कहना चाहते हैं कि एक हमें अपने लक्ष्य को बना लेना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई भी मनुष्य जो है वह एक जानवर के समान है। तो हमें अपने लक्ष्य एक बना लेना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा हमें जो है वह तत्पर रहना चाहिए, और कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए उसकी हमेशा हमें डट कर सामना करके और उन लक्ष्य तक हमें पहुंचना चाहिए। कुछ भी कहूं, कितना भी कहूं उनके बारे में, उनकी बातों को, तो वो बहुत ही कम ही होगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी बातें, कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना कभी छोटा बड़ा नहीं होता। बस अगर छोटा बड़ा होता है तो उसको प्राप्ति करने का जो आपके अंदर की जिद है उसे बरी करें। कोई भी सोच, कोई भी मुकाम, कोई भी सपना कभी छोटा नहीं होता। उसको प्राप्ति करने का जो जिद है वह बहुत, उसे आप बरी करें और उसे मजबूत करें। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति भगवान पे तभी विश्वास कर सकता है जब उन्हें खुद पर विश्वास हो। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो कही गई बातें हैं हम लोगों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए और रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं युवा वर्गों से यही कहना चाहूँगा कि जो अभी जो भटक रहे हैं आप निगेटिव वे में, उसे आप पॉजिटिव वे में लाइए, और आप जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसे धनात्मक वे में, मतलब पॉजिटिव वे में आप लगाइए। जरूर एक न एक दिन सफलता प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जो भी आप लोग अगर हमारी बातों को सुने हैं, इसी के साथ मैं गोकुल कुमार आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे द्वारा जो दो चार लाइन कही गई उनको आपने ध्यानपूर्वक सुना। तो मेरे एक स्टूडेंट्स हैं जो आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। मेरा नाम जितेश मिश्रा है और आज हम जानते हैं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो भी स्वामी विवेकानंद जी कितने महान पुरुष थे। तो चंद पंक्तियां जो मैं समझ पाया हूँ कि वो जो युवाओं को संदेश देना चाहते थे, उस विषय पर मैं कुछ चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। तो मैं अपनी पंक्तियां शुरू करना चाहूंगा। क्यों भटक रहा है युवा, अब होश में आ और जोश दिखा, अखंड भारत की प्रखंड सोच को युवा माध्यम से आगे ला, बदल गई पीढ़ी, बदल गए तरीके, आ गए अब नए तौर, चल चल के तू थक बैठा, अभी शुरू भी नहीं हुई दौड़, अखंड भारत की राजनीति को अपने बलबूते पर हम बढ़ाएंगे, एक सुंदर राष्ट्र बनाना है, हम कसम एक ऐसी खाएंगे, ना छेड़ेंगे किसी की बेटी, ना किसी का घर हम जलाएंगे, और जल्लादों की बस्ती में हम फिर इंसान बसाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।